अखन हमरा सबके टेलीफोन लाइन पर जुड़ गेल छथि जगदीश महासेठ जी, गौ संरक्षण मंच के अध्यक्ष। जगदीश जी, स्वागत है इस कार्यक्रम दलान में। जी धन्यवाद। जय श्री राम, जय जानकी माता, जय बजरंग बली। सबसे पहले गौ संरक्षण मंच नेपाल जे छै हुनकर अध्यक्ष छथिन प्रभुराम जी, सेनापति हनुमान जी। हम सब एक छोट सेवक के रूप में छी, किएक तऽ पृथ्वी पर अपन अखने अखन अपने के राम जी हनुमान जी के ही धर्म संस्कृति परंपरा के रक्षा हेतु अपने के नियुक्त कर गेल छै। अपने के पोस्ट की भेलै में? हम तो हुनकर प्रतिनिधि कर रहल छी, अध्यक्ष के नियुक्त कर रहल छी। जी जी अध्यक्ष के तई हेतु हनुमान जी के आदेशानुसार, हम अपना हिसाब से हनुमान जी के आदेशानुसार उनकर संदेश के हम संवाहन कर रहल छी। जे सबसे हनुमान जी के कभी कहीं ऋषपति सुनो हनुमाना, का चुप से रही बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि एक विज्ञान निधाना, कवन सकाल कठिन जंग माही, जो न हो पाई श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी के समक्ष अपने के हम अब देखल जाओ अपन सबके धर्म संस्कृति परंपरा और पहचान के, अपन रक्षा परिवार के रक्षा, धर्म के रक्षा अपन रक्षा। जखने धर्म संस्कृति परंपरा के अपने पहचान के रक्षा करबै तो अपने संस्कृति में कह रही, हम अपने के अब मैथिली में कह रहे अपन रक्षा, परिवार के रक्षा, समाज के रक्षा, देश के रक्षा, विश्व के रक्षा, मानव जाति के रक्षा, जीव जंतु पशु आ प्राकृति के रक्षा होइ छै, धर्म संस्कृति के रक्षा करै छै। तै हेतु अपने के आइ अपने के हम मौखिक मौखिक अखन सरकार के लॉकडाउन के पालन करे के छै, न तो हम सब तो जगह जगह ज्ञापन पत्र लगे गए रहते, जुलूस नारा सब लागल रहते अपने के, एक तो संस्थे से धर्म संस्कृति परंपरा के बचाने के लिए अपने के काज करे छै। हेतु पहले सबसे पहले मौखिक अपने काल खनमा हम अपने के नौसा के प्रमुख जिला अधिकारी जी के फोन के आग्रह कलिए, कलकिन ठीक से कही के हम देखे छी, से कहलखिन। एसपी साहब के भी कहलिए, वो आश्वासन दिलखिन। एसएसपी साहब के फोन के लिए एसएसपी साहब अपने के सबुआ भगल छे, उनका इंचार्ज कल गृह सचिव के फोन के लिए, तो उनका पीए साहब उठलखिन, कहलखिन ठीक से हम बात करी छी। और वैसे ही अपने जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर साहब कहलिए, कहलखिन नहीं ठीक छे, हम सब अग्रसर होइ छी। प्रदेश प्रमुख जी के फोन बंद छै, प्रदेश कानून मंत्री ज्ञान कुमार महतो जी के, उनको यादव जी के, उनको फोन बंद रहे। तब हमर कहना की कहे छै कि गलत होत अपराधी क्रियाकलाप होत देखलो के बाद हम सब अगर चुप्पी साधि ले छी तो हमरा सब के एहन अपराधी कोई नहीं कहे छै कि अपने के साक्षात छै। तै हेतु आई श्री राम भक्त हनुमान जी उनका सब के कथी के लागि फोन कर रहल छी, की कहे के? हाँ, उनका हम सब उनका की आग्रह कलिए कि अखन जे जानकी मंदिर के जानकी नवमी भेलैय आ ओहि में जे कहियो नहीं भेल चीज त्रेता युग से अभी तक अपने के कोनो युग में जे चीज नहीं भेल, अब केक अंडा वाला बनायल केक के बिना अंडा केक नहीं बनै छै, उ केक जे चढ़ायल गेलै या रोशन दास जी चढ़ायल चढ़ा के अपने से बाट रहल है। एहिठाम के कुछ धानागत व्यक्ति सब के जन्मदिन के ई करैत बहाना में अपने के 120 गते के छलै अपने के जानकी नवमी जे हम सब मनैली, आ 19 गते के मनलकै पैसा के लोभ में, डॉलर के लोभ में। आ ई जे ताई के इशारा पर जे काज कर रहल छै, केक चढ़ा रहल छै, तेकर छानबीन होय, आवश्यक कार्रवाई होय, जे हमर सबके धर्म संस्कृति परंपरा बचे, जानकी माता के अस्तित्व बचे। तै के लेल दोसर अपने के जे अखन पूरा वायरल भ रहल छै, हमर सबके महंत आदरणीय महंत बाबा राम तपेश्वर दास जी के मुख बिंद से जे हम सब बात सुनलिए बाहर आयल के अपने के, जे जबकि विवाह पंचमी, जानकी नवमी तथा अन्य जानकी मंदिर के जे भी खर्च है कार्यक्रम सबके, सब बाहर के व्यक्ति अपने के दरभंगा के पवन चौधरी जी तीर रहल छे उद्योगपति, तो फिर अपने के और अन्य जगह सबसे सरकारी कार्यालय सब चंदा उठा के वही बार अपने के सुनले रही है कि प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्री अनाउंस कर रहे कि 50 लाख रुपया हम जानकी मंदिर के दिली है, वो पैसा सब की भेलै? अहिमे अहाँके 4-5 करोड़ के घोटाला छै, एकर आवश्यक छानबीन कैल जाए। हम हुनका इहो वास्ता देली, हुनका सबके अपनहु जानकी माता के दर्शन करे जाइ छी, जानकी जनकपुर भूमि छी, अपने सबके और कर्तव्य बनि जाइए, अपने के यहाँ निवेदन दिए जबे हम आ तभी अहाँ कार्रवाई करबे, से बात नहीं छै, सबके दायित्व भाव छै। तै संबंधी हुनका सबके आग्रह कैली हम, आ तै हेतु आई अपने के माध्यम से हम अपने के हनुमान जी के आदेशानुसार अपने के अही माध्यम से वो ज्ञापन पत्र हम अपने के पेश कर रहल छी, आवश्यक कार्रवाई के संबंध एक दू गो संबंध में, जानकी माता के मंदिर के बचावे के। आप जना सुनिए कि बाबा तपेश्वर दास पर हमलो होइ छै, उनको सुरक्षित नहीं छै, उनको भी सुरक्षा होय कहि के, तै हेतु आ जानकी मंदिर के सुरक्षा होय तै हेतु अपने के एगो ज्ञापन पत्र हम मंदिर के मान मर्यादा में कायम रहे।
कायम रहे की तई हिस्तु अपने के अब एक लिखित ज्ञापन पत्र या कर या निवेदन भेजलो स्थानीय निकाय सब सरकारी निकाय सब या जिनका हम कहते उनका या एक ज्ञापन पत्र बुझलो अखन लॉकडाउन है अपने के नेपाल सरकार लगेल उनका तो अवहेला करके हम सब जाइए से तो नहीं भेल अब हम सब मोबाइल द्वारा अपने के बुझू के दर्ते करा रहा छे हम सब देने छे गौ संरक्षण मंच नेपाल केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम द्वारा सरकार द्वारा लगाई को लॉकडाउन को पालन कर दे मोबाइल के द्वारा ही समस्त जन में हार्दिक अनुरोध साथ ज्ञापन पेश कर रहा छी की आई माता जगत जननी जानकी के जानकी मंदिर प्रकरण में मीडिया द्वारा आयल चेक दे आ रकम हीना बिना जानकी मंदिर के जानकी नवमी के घटना सब पर आदरणीय महंत बाबा राम तपेश्वर दास वैष्णव दास जी द्वारा बाहर आयल बात पर अविलंब यथाशीघ्र ध्यान देत दैत आवश्यक छानबीन अनुसंधान करत दोषी व्यक्ति जे भी हो ओकरा ऊपर अविलंब कार्रवाई हो आ जानकी मंदिर के आस्था धर्म संस्कृति परंपरा पहचान के रक्षा हो आ अब उपरांत एहन काज कोई आदमी नहीं दोहराबे से संबंधित संघ संस्था निकाय सबसे गौ संरक्षण मंच नेपाल जोरदार मांग करी छै ओहिमे अपने के हम सब देले छियै श्रीमान प्रमुख जिलाधिकारी जी जिला प्रशासन कार्यालय धमसा श्रीमान प्रहरी उपीक्षक जिला प्रहरी कार्यालय धमसा श्रीमान वरिष्ठ प्रहरी उपीक्षक अंचल प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर धाम श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश नंबर दुई श्रीमान कार्यालय प्रमुख जी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग धमसा श्रीमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान प्रमुख जी बर्दीवास श्रीमान प्रमुख जी मेयर साहब उपमेयर वडा अध्यक्ष वडा सदस्य जनप्रतिनिधि सब जनकपुर धाम वासी श्रीमान अध्यक्ष जी जनकपुर बिहत्तर विकास परिषद श्रीमान मुख्यमंत्री जी प्रदेश नंबर दुई श्रीमान कानून मंत्री जी प्रदेश नंबर दुई श्रीमान सामाजिक विकास मंत्री जी प्रदेश नंबर दुई श्रीमान प्रदेश नंबर दुई को संपूर्ण सभासद जी हरू श्रीमान अध्यक्ष जी पत्रकार महासंघ धमसा स्थानीय पत्र पत्रिका एफएम टीवी एवं पत्रकार बंधु श्रीमान क्षेत्र प्रशासक जी हेटौड़ा श्रीमान प्रधानमंत्री जी श्रीमान राष्ट्रपति जी श्रीमान गृह मंत्री जी आ जे अपने के धर्म संस्कृति परंपरा बचाबे के लिए हरदम से सक्रिय रहे थे जे उस संस्था सबसे उनका सक्रिय संघ संस्था है उनका नाम श्री विश्व हिंदू महापरिषद नेपाल श्री विश्व हिंदू परिषद नेपाल हिंदू स्वयं सेवक संघ आर एस एस वैष्णव समाज संघ श्री रामानंदी आश्रम समाज संघ श्री साधु समाज सेवा समिति श्री हनुमान आराधना मंडल श्री गायत्री परिवार श्री ब्रह्म कुमार राज्य सेवा केंद्र श्री बजरंग दल श्री शिवसेना नेपाल श्री हिंदू परिषद नेपाल श्री हिंदू वाहिनी सेना श्री राम युवा कमिटी श्री महावीर युवा कमिटी जनक युवा क्लब राम जानकी युवा कमिटी जनकपुर युथ क्लब रामानंद युवा क्लब वाल्मीकि युवा कमिटी मणिमंडप पिरारी कुपेश्वर नाथ युवा क्लब हर हर महादेव युवा क्लब गणेश युवा कमिटी पेरिया माई युवा कमिटी विश्वकर्मा पूजा समिति दुर्गा पूजा समिति मुरली चौक भैरव युवा कमिटी गंगा सागर आरती गंगा सागर जनकपुर धाम में रहल सब हनुमान मंदिर के पुजारी एवं महंत जनकपुर धाम में रहल भगवान के मठ मंदिर के पुजारी महंत साधु संत जी सब धर्म संस्कृति जागरण अभियान में लागल साथी सब नागरिक समाज बुद्धिजीवी नेपाली कांग्रेस जिला नगर एमाले जिला नगर राष्ट्रीय जनता पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जनमत पार्टी जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स जनकपुर धाम धमसा सब कोई के हम सब अपने के यो ज्ञापन पत्र का निवेदन बुझलो या हमर दरखास्त बुझलो या माता के तरफ से अपने के हनुमान जी के आदेश पर सबसे हम आग्रह के लिए यह समय है जे जो जनक जानकी मैया के मंदिर है तो हम सब छी अपने के उदाहरण होता है कि ऐसे पूर्व अपने के कुछ वर्ष अपने के भूकंप आयल है जिला के जिला ध्वस्त भ गए जबकि जानकी मैया ऐठन के एको बाल बाल बाका हो दिल के बाल बच्चा के अपन बुर्दा तोड़ दिलखिन लेकिन किनको कुछ नहीं हो दिलखिन की तो वही माता के लिए जय माता के जो प्रधानमंत्री अभी छी या जे भी प्रशासन अभी छी जे भी है सब जाय छी गुहार लागी कि हमरा बाल बच्चा दिय हमरा नौकरी में प्रगति दिय हम बढ़िया से निभा पाबी सब जाय छी प्रार्थना करे लागी तो आई वो माता के अहा के समस्या पड़ल है मंदिर पर उनका आस्था पर चोट पहुंच रहा है तो एहन समय में अगर हम सब एकजुट भ के अगर आवाज नहीं उठबे छी आ ओहि पर कार्रवाई अगर नहीं करे छी कह के तब
हमरा सब के कोई माफ नहीं करत। हमर संस्कृति आय वाला बाल बच्चा सब अहाँ के सब भिकार के केहन अहाँ सब चलिए जो अपन धर्म संस्कृति के आ परंपरा के जानकी मैया के जानकी मैया से मांग जाए जी हमरा पुत्र दिए हमरा बाल बच्चा के सब निक रखू कह के उनका अहाँ सब आवाज नहीं उठा पैलिए। तै के लिए एहन विपद के समय में जे माता सब के रक्षा करे छे आई माते के मंदिर पर अहाँ के उनकर आस्था पर अहाँ के चोट पहुँचल है उनकर अहाँ के धर्म संस्कृति पर विनाश के घड़ी आ गेल छे अहाँ के स्टेप कर रहल छे ओहिठाम अहाँ के जे महंत जी छथिन अहाँ के तपेश्वर दास बाबा जी उनका पर हमला होइ छे उनकर जीवन के सुरक्षित नहीं है। तै हेतु अपने संपूर्ण जन समुदाय से हम लिखित के द्वारा एक निवेदन बुझलिए या जे बुझलिए हमरा जहाँ फेस करे पड़ते हम फेस करबे अपने सबसे आग्रह कर रहल छे कि अपने सब सब आदमी सक्रिय भ के आई माता के मंदिर के अस्तित्व बचैयौ धर्म संस्कृति के संरक्षण करियौ रक्षा करियौ अपने संस्कृत में कहबे कहली धर्मो रक्षा आ धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षिता जब हम सब धर्म के रक्षा करबे तब ना धर्म हम सब रक्षा करते। तै हेतु अपने के माध्यम से आई हम अपने के बुझा रहल छियै जे के एकरा अब एहिठाम के सीरो साहब एसपी साहब एसएसपी साहब इनका सब के कहब की है अब सीरो साहब के भी कहलियो कल के ठीक छ म हेर्दे छु करके से कहलन गल गेलै एसपी साहब जे कहलन बुझलि की नै अब हम हमर काम के हेर तो ओय में त ई भ सके रे कि अब ओहिठाम तपेश्वर दास जी के ओय निवेदन देवे के होते तो नहीं देने होते नहीं नहीं निवेदनों से बड़का तो उनका मुख से चल रहे ना तो वो तो निवेदन कम से कम उनका सब सक्रिय होके जाके पूछे के चाहे ना कम से कम छानबीन तो करे के चाहे ना मान लो हम ही बोल रहे थे कल हमें से पूछो ना बाबा हमारे गलती तो हमने अखन तक माने प्रशासन के अलर्ट भ के ओठम अथी उपस्थिति भ जाय के रहले जी किएक तो विश्व के अपने के धरोहर है ना जानकी मंदिर आ वही पर अगर बात अबे है तब हम अहा के निवेदने देबे अहाँ निवेदने दिए जबे महंत निवेदने दिए जबे आ तभी कोई आदमी अहाँ के ऊपर सक्रिय होते कह के कोई प्रशासन तो हम बुझे छी बहुत गलत छे एहन कभी नहीं होके चाहिए आ किएक तो अहाँ वही माता के आशीर्वाद से सब आदमी से पला रहा छे। तै के लिए हम दस और जोड़ के सब कोई के कह रहा छे कि अपने से अपना अपना जगह से सक्रिय हो अपन अपन कर्तव्य के निर्वाह करू जे अपने की से जाए ऊपर अपने कहल जाए छे कि अहाँ के एगो अपने के हम सुना दी जे कहल छे कि देखल जाओ कि संसार में हर व्यक्ति ये जानता है कि एक दिन आए हैं तो जाना पड़ेगा जीवन एक करवा सत्य है जो आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा तो क्यों ना हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे व्यक्ति मरने के बाद भी हमारा नाम ले हमें याद करे मरकर भी हमारा नाम अमर हो जाए क्योंकि ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी मिली है ये नहीं पता कब जिंदगी हाथ से निकल जाए। उनका सबसे हम अनुरोध है कि 4 दिन की जिंदगी 4 दिन का मेला है आए तू अकेला जग में आया जाएगा तू अकेला है तो ऐ के कितनों कमा लू वहाँ कैसे ना पूजा के समय है कितनों कमा ले ली जगदीश जी यही है जो आप कुछ जो आवाज उठ रहा है कि सब मंदिर के छानबीन हो पड़ते पहले एक तो शुरू तक भाई ना पहले ना नहीं बोली एक वो जब कि ये के डाइवर्ट करे लगे लोग कि ये टाइप की आवाज उठा रहा है उलझ जते कह के हमर के नाम जे विषय उठल जत जै घर में चोरी हो जत मर्डर हो पहले छानबीन हो कभी पूरा देश में करू कह के बाबा जत समस्या अखन पड़ल है जत असुरक्षित है महन जी जत अहा के हमर मंदिर के अस्तित्व अहा के बाजी में लागल संकट में पड़ गेल है जत अहा के चेक चल गए जे की पूरा नाश कर दल के धर्म संस्कृति परंपरा के वही जगह पहले तो अहा सफा करियो ना वही जगह कार्रवाई करके ओकर सुरक्षित तक करियो पहले वो सुरक्षित कैली नहीं आ झूठ फूट के फल्ला मंदिर चिल्ला मंदिर फल्ला मंदिर पहले एक तो सही करू ना छोटका छोटका में नहीं लागे के जब मेन के समस्या चल आयल है वो आगा में है तो पहले वही के सॉल्व कर लेबे पड़ले जी और सब में नहीं लाग के एक तरफ जानकी माता के पहले मंदिर में लागो वही सब ओकर सुरक्षित करो देखल जाओ की है कि अगर हमरा सबके तरह की है अगर अहू पर अगर सचेत नहीं भेलै अब ये जे निवेदन कैली हम वही निवेदन पर भी अगर प्रशासनिक निकाय सब या जे सब छथिन उ सब सक्रिय नहीं भेलै तो हम सब मठ मंदिर में तो जाइए रहल छी हनुमान मंदिर में अब एकदम सक्रिय होके हनुमान जी के ही ज्ञापन पद बुझबे तब बुझबे कि आई जगह न कोनो कानून है न कोनो अहाँ के कोनो व्यवस्था है कहके जंगल अड़ाल छे के सीधे बुझबे ना हम तब जब होते कहे के पर पहल होता है तब बुझबे के सही में कानूनी राज है माता सबको आशीर्वाद दो हम तब चाहब कि माता से हे माँ जानकी मैया बजरंग बली हनुमान जी राम जी अपने संपूर्ण जनकपुर धाम वासी के
सबके अपने बुद्धि विवेक दियौ, सबके आशीर्वाद दियौ, हिम्मत दियौ, शक्ति दियौ, जे सत्य के रास्ता पर चले असत्य पर नहीं जाए, धर्म पर चले अधर्म पर नहीं चले नहीं जाए, आ धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए आगाड़ी बढ़े, जे सब को के बल दियौ कह के आ सबके मिल के करो। ये समय जी में की देखल जा रहा है कि एहन व्यक्ति ने भेट रहा है जे जानकी जी के कुछ न कुछ नहीं लेने हो, वो सब चाहे जी कि शांत भ जाए, मुद्दा नहीं बढ़े। देखियो वही व्यक्ति सबसे हम की कहबे कहबे अपने के सुनल जाओ, यही के विभिन्न प्रपंच भ रहा है कि केना ये के बंद कर जाए, ये के मुद्दा के सेराइल जाए, ये के डाइवर्ट कर जाए, मुदा के शांत करे में आई मुदा के बिना अनुसंधान के लिए बिना कार्रवाई के लिए तथ्य बुझले अहा के एक निर्णय के लिए अगर जे भी व्यक्ति में पैसा के लेन देन में या जे भी मान लो हिसाब में अगर गलत प्रक्रिया में जाए जे एठाम के नागरिक समाज या पत्रकार या जे अगुआ समाज सब है से पूरा मौन है या डाइवर्ट करे में लागल है। देखियो अखन तक मान लू कि अखन तक आबादी नहीं उठा रहा है तो इसके बारे में संख्या प्रसंख्या, लेकिन डाइवर्ट नहीं करे चाहिए कि डाइवर्ट करे कोनो बात नहीं, डाइवर्ट करबे तो अहाँ अपन अपन धर्म से विमुख हो, अपन संस्कृति से विमुख हो, सबके लिए है ना। जानकी माता के मंदिर कोनो एगो व्यक्ति के धर्म के है या कोनो एगो समाज के है या कोनो जाति के है, सब वर्ग के है, सब धर्म के है। बालूक एहिठाम जते हमरा अहाँ के ओते हर वर्ग के है ना, एक कोई आदमी काल कह दे कि फलाना वर्ग के है फलाना जाति के, ये सब गलत है, में कोनो उहन बात नहीं चाहिए अपने के। जानकी में जो जानकी माता तो जनकपुर धाम पहचान से अपने के, आई जानकी मंदिर ऐसा नहीं रहो अहा के तो ऐसा की आई यार बता जाओ, वही से सब आदमी पला रहे जनकपुर धाम में जितने चीज जे भी वर्ग की जे धर्म के थी सब जानकी माता के हिसाब से पला रहे ना। एक आई जानकी माता के मंदिर पर ना अहा के आवाज अस्मिता के खतरा पहुंच गए है, संस्कृति एक खतरा पहुंचल है, और अगर कोनो ओहन बात है तो बादों में कल जाते ना कल जा सके ना। एक कोई आदमी चाहते कि हम एक घुमा के बात के दूसरे हिसाब से डाइवर्ट कर दी तो हम तो बुझे कि उनका एहन अहा के धर्म के विरोधी नैतिक के खसल व्यक्ति हम हो या कोई हो, अगर हम अगर इसे खिलवाड़ करे तो कल हमर बाल बच्चा माफ करत नहीं, हमर ऐसा के समाज माफ करत नहीं, हमर भगवान माफ करत। आई कहे भगवान अखन देख लियो अपने के अखन कोरोना के चल रहा है अपने के प्रसंग, अब देखिए आदमी कहे चले ना कि हम या पैसा वाला छी या बल वाला छी या मालू पावर वाला छी, आई सब फेल है कि नहीं फेल, बोले कुछ है कुछ ना है कि सब कुदरत के खेल है कि तय के लिए सब से हम आग्रह करब कि एक कोनो हिसाब के एम्हर ओम्हर के बात नहीं कर जाओ, जे सीधा बात है वो तथ्य सत्य के अहा के देख छानबीन हो आ वो पर जे दोषी व्यक्ति है अविलंब कार्रवाई हो, जब तक ये आवाज अहा के कोई दोसर कोई आरोप नहीं लगल गई है, जे पीड़ित छे अपने के जेकरा हम सब माने छे जे हमर सब के महान जी छथिन आदरणीय राम तपेश्वर दास वैष्णव जी, उनके मुख से निकल लिया तखन मालू के सब प्रसंग जुड़ल है, चाहे वो भारत के जे काज कर रहल छे अपने पवन चौधरी जी से स्पष्ट कलखिन, ई सब तय के लेल एहिठाम के अब संपूर्ण जब भारत के पवन चौधरी जी के खुल के कह रहा है आ तय स्थिति में बाबा कह रहा है खुल के, वही स्थिति में अगर हम सब चुप भ जाए छी तो हमरा सब के एहन नैतिक पतन व्यक्ति धरती पर नहीं हो, हमर सब के जन्म लेना अगर बेकार है। तय के लेल एहिठाम की देखल जाए छी कि कोनो चीज जे शुरू भेल तो वही के बीच में आके जात बात घुस जाए छे जी, नहीं में ना में जाति पात के कोनो काम से ने कोनो और दोसर प्रसंग में जोड़े के चाहिए, सीधा अपने के जानकी माता के मंदिर के नहीं। अखन जो बात जो उठ रहा है कि मंदिर सब जात जात के हो जाए, ये जात के ही मंदिर ये जात के ही मंदिर, ये जनकपुर में की है सिस्टम जात के मंदिर के सिस्टम नहीं, और अपन जो व्यक्तिगत कोई कोई मंदिर होते जात के अलग बात है, लेकिन जानकी माता के मंदिर अपने के कोनो जात के नहीं है, कोनो वर्ग के नहीं है, कोनो एगो व्यक्ति के नहीं है अपने के, जानकी मंदिर मात्र सब वर्ग के लागी है कि आरो मंदिर सब है जनकपुर में जो वो टाइप के है, मंदिर जखने है ना मंदिर जना कुछ है। कुछ तो जायतों के मंदिर सब है जना जो सूरी कुटी तो कलवार कुटी तो यहन हिसाब से जो जात जात के जो है कुटी, हाँ तो उस सब खैर अलग है नहीं बोलिए तैयो अपने के हम की कह रहे थी कि मंदिर जखने भेले जखने वही में राम राम जी माता जी के पूजा माता जानकी पूजा भ रहा है तो वही मंदिर में अगर मान लो कि सूर्य के ही मंदिर है तो वही में आके तेली के नहीं रोक सके है, कलवार के छे आके तो सूर्य के नहीं रोक सके, मंदिर जखने भेले तो सबके लिए खुला भेले की
तक के मंदिर अखन मंदिर अहाँ के जानकी माता के मंदिर के अस्तित्व खतरा में पड़ल है, धर्म संस्कृति खतरा में पड़ल है, उनका पहचान खतरा में पड़ल है, ओकरा बचावे के लिए चाहे अहाँ के सूरी है, कलवार है, तिल, कोई भी जाति के वर्ग के हो, अपने के कोनो मठ मंदिर हो, हम तो सबके आह्वान के लिए ना कि जितने ऐसा मठ मंदिर है चाहे कोनो वर्ग के, मतलब नहीं वर्ग नहीं छुटियाबी, जब ये मंदिर से कह के तभी उसमें कोनो वर्ग नहीं हो, सब कोई के एकजुट भ के अपने के आ कोनो पार्टी के नहीं, सब पार्टी के एकजुट भ के सब समुदाय मिल के अब पर जानकी मंदिर के परिक्रमण चल रहा है अखन, जे कि यहाँ के अनैतिक काम भेल यहाँ के, जे कि केक चढ़ल के वही पर आ जे हिना बिना भेल से आर्थिक के अपने के अलग प्रकरण में वही पर आवश्यक छानबीन भ के दोषी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वर्ग के हो, कोई भी जाति के हो, वैसे फर्क नहीं पड़े, तो बड़ा कार्रवाई हो के चाहिए तो हो के चाहिए, हम मेन अपने सबके कौन प्रकरण पर कह रहा है, जना जे अभी में भ्रष्टाचार के मुद्दा आब रहा है, ये हम दो प्रकरण कहले ना अपने के, एक ता अपने के केक वाला प्रकरण, केक देर जे मनल के यहाँ के आज तक जे नहीं भेल छले कोनो परंपरा में, तेकर यहाँ के विपरीत जे काज भेले ये हमर सबके धर्म पर आघात जे पहुँचल के संस्कृति पर, वही पर अविलंब कार्रवाई उठे के चाही कि काज केक भेले अपने के, आ दोसर दोसर जे अहाँ के प्रदेश सरकार से चाहे नेपाल सरकार से चाहे नगर पालिका से कहीं से अहाँ चंदा उठा के आ निजी अहाँ के अलग खाता खोल के एगो एनजीओ चला के पैसा हिना बिना कैले जानकी माता के नाम पर, जबकि हरेक कार्यक्रम के पैसा अहाँ के पवन चौधरी खुल के कह रहा है कि हम तीर रहा छी कह के, तो वो आखिर पैसा कहाँ गेले, ओकर छानबीन हो के चाहिए आ वही के तहत ओकरा पर कार्रवाई हो के चाहिए, कि हम दू गो प्रकरण के मांग कर रहा छी कि यही में जो अपने के ये बाहरी केहन अथी सपोर्ट मिल रहा है, बाहरी सपोर्ट तो बढ़िया छे कह के, अब बाहरी हम कभी हम तो हनुमान जी के सपोर्ट ले भी मिल पूरा, हम भगवान जिनका लेल मान जानकी माता के लेल हम ये धरती पर जन्म ले छी, तो आई धरती के लेल जानकी माता एक गोद में जन्म ले छी, जानकी माता के लेल हम सब अपन जीवन नछावर कर देबे, अइ पर जे काज करे पड़ते करबे कह के, आ सब कोई से आग्रह करै छी कि माता के धरती से पैदा ले छी, उनके माता के अन्न धरती के अन्न खा रहल छी, सब कोई पर भीरू आ माता के अस्तित्व खतरा पहुँचल छै, अगर बताओ माता के, माता बड़ा मुश्किल से बाल बच्चा के पाली छे, बहुत कष्ट से पाली छे, आई माते के ऊपर अगर एहन पड़ गेल है तो ओकरा लेल कम से कम हम सब इतनो नहीं कह सकै छी, अहू में अहाँ के जातिगत आ वर्ग छुटियाबे तो काल माफ करती कोई हमरा सब के, मातो माफ कर दे, सब ऊपर देख रहल है ना, हनुमान जी के तो हम अई लागी अपने के वो जो प्रसंग बतैले छलिए ना, पूरा तो नहीं भ पाले प्रसंग, हाँ तो वही में की है कि से हम गेली भीतर अपने के, भीतर तो कहलिए ना अपने के भोजालंग के लिए ध्वजालंग प्रार्थना के लिए हनुमान जी के हम याद दिले लिए कि हनुमान जी जा अब बता जाओ, अब अपने त्रेता जी में राम जी जब सब जाए लगले क्षीर सागर के माध्यम से वैकुंठ धाम, तो अपनहू करी हम जाए वैसा रामचंद्र गोपाल के नए हनुमान अब अपने के द्वापर आ रहे, द्वापर के बाद अपने के कलयुग होते, कलयुग में इतने नैतिक पतन आदमी सब भेटते, भ्रष्ट भेटते, राक्षस प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के भेटते, जो धर्म संस्कृति के नाश करते, अहाँ के मठ मंदिर के नाश करते, आगे भगवान सब मंदिर के अहाँ के लूटते, भक्त भक्तन सब कठिनाई देते, कष्ट देते, ओकर रक्षा के लिए अहाँ के रहे के है, तो वही हनुमान जी उनका से वरदान मंगल के ठीक से प्रभु हमारा आशीर्वाद दिए कि अपने के भजन जहाँ जहाँ हो नाम के उच्चारण वहाँ वहाँ उपस्थिति रह, राम जी तक सगा गए तो यह सीता माता जानकी मैया सिफारिश कल कि दे दिए प्रभु आखिर का तो बालक है, हम वही जब जाकर कहली हनुमान जी के, तब हनुमान जी का आशीर्वाद भेटल आ अखन अपने के पृथ्वी पर जीवित देवता में मानल जाए हनुमान जी अपने के, तब उहे उनका याद दिलेलिए कि काल अगर मान लू कि अपने के राम जी कहीं भेज देता पूछता कि हनुमान बताओ मेरे पृथ्वी का क्या हाल है, तो अपने के रहित में कहे कि हमारा रहित में माता के मंदिर छुपा गए, माता के अस्तित्व पड़ गए कह के, तो वो जवाब दिए पड़त अहाँ के, जे सीता माता अपने के आशीर्वाद सिफारिश के लिए थे वो अगर भेज देता कहता कि हमारे हनुमान बालक बताओ मेरे मंदिर का क्या हाल है, तो अपने की कही माता हम टुक टुक देखे रही अपने मंदिर के स्थिति शांत भ गए, दू जगह जवाब दिए के है, तै के लिए अब हम सके वाला नहीं छी, ऐसा के अखन के पैसा के बल पर आदमी सब काज करे छे, पावर के काज करे छे, अपने कुछ कर जाओ, अपने देखल जाओ हमारा कहती आदमी की पागल बोली ही कही बुझ गए, प्रत्यक्ष प्रमाण बुझ गए, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम वहाँ के लिए भीतर हनुमान जी से वहाँ गेली, पीछे में हनुमान जी से वहाँ सेम ऐसे उनका से प्रार्थना के लिए पंचमुखी हनुमान जी के प्रार्थना के लिए हनुमानगढ़ी गली वहाँ प्रार्थना के लिए महावीर चौक अपने के संकट मन सब भरि दिन हम घूमते रही आ कानते रही, अब अपने देखल जाओ चम अपने के
दू दिन के बाद एगो हल्ला उठले, जानकी मंदिर आ पशुपतिनाथ उड़ावे के प्लानिंग है। वहां पशुपतिनाथ के भी अपने के अंदर मिलल के प्रहरी, 11 आदमी पकड़ल ओम अपने के, जानकी मंदिर के अपने के कस्टडी मिलल की प्रशासन ओम के, जितने पार्किंग के लागल रहे बोर्ड सब टीपर पर लोड कल के सब लगल। हम दोसर दिन पहुंचली, देखे की पूरा खाली है फील्ड, हनुमान जी काज कुछ कलखिन करके बुझाइए, फिर जाके सब जगह जाके उनका धन्यवाद दिलिये। तो हम प्रत्यक्ष एहन एहन बहुतों प्रमाण देख चुकल छी कि अय के लेल हमरा विश्वास है, हम उनके आदेश के, हम अपना हिसाब से कुछ नहीं कर छी, हम तो जियो छी, उनके आदेश से हम आज सब कोई के आग्रह के लिए आई जानकी माता के मंदिर के बचावे के लिए सब आदमी कोई लोभ नहीं पड़ू, पैसा कोई काम नहीं दे, आके कोनो पावर काम नहीं देत। अखन देखी की सब लॉकडाउन भगल छे, कुछो है जे अमेरिका कहे अपना आप की हम शांत पर चल गए, वो अहाँ के लॉकडाउन बंद छे, कुछो नहीं छे की अय के लिए अय दुनिया में कुछ नहीं छे। एके वो चीज जाए जब मरब ना तो वह भक्ति जाए की कैले चले, ना पैसा जाए ना कुछ जाए, कहे छे कहबे के लिए हम कफन में जेब नहीं हुई छे अपने, तय के लिए जिंदा छी, हम सब अपने के माता के शरण में छी, माता हमरा सब रक्षा करता आ कह रहल छन बारम्बार, के लिए माता के आई मंदिर के अस्तित्व खतरा पड़ गया चाहिए, अपने के अस्तित्व अपने के विधर्मी सब आई माता के मंदिर के बिगाड़े में, धर्म संस्कृति के बिगाड़े में ले गए, उनका सबसे बताबे के लिए अखन अगर एकजुट अगर नहीं भेजी हो तो हमरा हम हमरा अहा सबके एहन दुर्भाग्य व्यक्ति नैतिक पतन व्यक्ति कोई नहीं होते कहे तो हम अपने आप के हम कहे कि हमरो माफ नहीं करत कभी कोई, न भगवान माफ करत न बाल बच्चा माफ करत। तय के लिए अपने के माध्यम से आई हम बड़ा हकीकत हनुमान जी हमारा आदेश दिल्ली कि हम अपना मतलब सब नहीं लिखी तो हमारा कौन पावर, हम कौन मान लू की पावर वाला छी आ कौन पैसा वाला, कुछ हम तो फकीर व्यक्ति छी, हम कुछ पावर वाला नहीं छी, उनके आदेश छी, हम जो भी करे उनके आदेश से, अहू से अगर मान लू की अगर ये सब चुक गया तो हम हनुमान जी के शरण में मंदिर में तो सब जगह हनुमान अति वंदना कर रहा छी, ये धर्म संस्कृति बचावे के लिए आ दुष्ट आत्मा प्रवृत्ति वाला सबके समाप्त करे के लिए आ पुनः स्पीड बढ़ाबे। हमारा विश्वास है कि नहीं वो करहू नहीं पड़ते, हनुमान जी सबके दिल में बैठता कि तो प्रत्यक्ष छथिन अखन जीवित देवता छथिन आ सबके प्रेरणा दके सबके बल दके आई जानकी माता के मंदिर में जो घटना दूगो प्रकरण भेल छे एगो केक चढ़ावे के ओई परंपरा के जे दोषी व्यक्ति से जुकरा कार्रवाई होती यहाँ के जे आई मंदिर के अपवित्र कोशिश करे के कोशिश कल के जानकी मैया के ओकरा सजाई भेटत आ जे ई जे आर्थिक हिना बिना बताओ अपने भगवानों के पैसा खाए में डर नहीं लगे आ तो की कर भी हाँ, की हाँ, जीवन की हाँ, के धक्का है जीवन पर भगवान के पैसा हीना बिना करी छी वही हीना बिना के ऐसा के प्रशासन जे तखने बुझे कि ईमानदार छथिन जे एकर छानबीन निष्पक्ष हिसाब से आ निडर हिसाब से करता आ अपराधी जे व्यक्ति छै जे हीना बिना कैले छै ओकरा कार्रवाई के घेरा में लेता तखने बुझे हम कि नहीं सही में एहिठाम के व्यक्ति सब यहाँ आबे छै ऐसे छै जे माता के लेल भी अहाँ के अग्रसर छै आ उनका माता रक्षा करता आ नहीं तब तक की है कि जब हम माता के रक्षा नहीं करबे तो हमारा माता कला रक्षा करता, तब कौन जरूरी चीज रक्षा करता है कि नहीं, से ही अपने के माध्यम से भाई कहला छिए हम बहुत दुखी छिए घटना से लगे की जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद अपनो जे कर रहल छी, अपनो के माता जानकी मैया प्रभु राम जी हनुमान जी सब अपने के शक्ति देता जे अपने एकदम निडर भ के जे काज कर रहल छी और करी अपने के, अपने साथ हनुमान जी अपने घबराए नहीं, हम सब छी अपने के अही हिसाब से लागी आ माता के मंदिर के जे अस्तित्व खतरा में है ओकरा बता दू जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद।